नमस्कार दोस्तों, होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन होली में इस साल भी कोरोना का जो थोड़ा सा असर है ना वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए प्लीज़ सेफली खेलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, तो ऐसे में हो ही नहीं सकता कि हम शगुन के तौर पर मिठाई ना खाएँ या फिर जो हमारे घर आए उसको मिठाई नमकीन ऑफर ना करें। तो ऐसे में इसी तरह का एक बिज़नेस आज मैं लेकर आई हूँ, स्वीट्स एंड नमकीन का बिज़नेस। कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत लगेगी, कौन कौन से इसके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, किस तरह से आप रजिस्टर करा सकते हैं अपना GST नंबर, तमाम पहलुओं पर बात होगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर का ऑप्शन है, शेयर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं स्वीट्स एंड नमकीन का बिजनेस। शॉप की लोकेशन पर ध्यान दें। जब भी आप मिठाई एंड नमकीन की दुकान खोलें तो इस बात का ध्यान रखें कि दुकान ऐसी जगह हो जहां पर लोगों का आना जाना काफ़ी मात्रा में हो, जिससे यदि किसी को भूख लगे तो वो आपकी शॉप पर आकर मिठाई खा सके, नमकीन खा सके। इस बात का भी ध्यान रखें कि दुकान ऐसी जगह हो जहां लोग आसानी से आकर शॉपिंग कर सकें। याद रखें, यदि दुकान की लोकेशन सही ना हुई तो आप चाहे जितना भी एफर्ट लगा लें या फिर जितनी भी टेस्टी मिठाई या नमकीन बना लें, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फ़ायदे के लिए लोगों का खाना भी आवश्यक है। मिठाई और स्नैक्स की दुकान का पंजीकरण और लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस। अगर आप किसी दुकान में इस बिजनेस को खोलने की सोच रहे हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की आवश्यकता होगी। FSSAI खाने पीने का बिजनेस शुरू करने के लिए FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है। यह आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को चेक करके आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। आप इस लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इसका लिंक आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवश्यक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते तो कई ऐसी एजेंसी हैं जो ₹5,000 लेकर रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं। ट्रेड लाइसेंस, व्यापार अधिकार पत्र शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस है किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए। इस लाइसेंस का होना अनिवार्य है। GST रजिस्ट्रेशन, GST लागू होने के बाद ये रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फायर NOC, ऐसा व्यापार जिसमें आग की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में इस लाइसेंस का होना अनिवार्य होता है। फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद बिजनेस शुरू किया जा सकता है। हेल्थ लाइसेंस आपको अपने शहर से ही बनवाना पड़ेगा। इस लाइसेंस के लिए आपको अपने शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। म्युनिसिपल इंस्पेक्टर पहले आपकी शॉप का निरीक्षण करेगा, उसके बाद आपको म्युनिसिपल हेल्थ लाइसेंस हासिल होगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब ₹3,000 तक का खर्चा आएगा। मिठाई और स्नैक्स का बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री, बड़े बड़े कड़ाहे कई मात्रा में लेने होंगे, गैस चूल्हा बड़ा वाला, मिठाई बनाने और रखने का बर्तन बड़ा वाला, फ्रीजर, लोगों को बैठाने के लिए या उनकी खान पीन की व्यवस्था करने के लिए टेबल और कुर्सी, पानी जमा करने की टंकी, शॉप और कारखाना आसपास हो या एक में ही हो, और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो फर्नीचर मिठाई सामग्री में होगा। साथ ही आप जहां दुकान लगाएंगे उस एरिया के हिसाब से आपको उस दुकान का किराया देना होगा। यदि आप दुकान खरीदते हैं तो आपका बजट और बढ़ जाएगा। फिर भी अगर लागत की बात करें तो शुरुआत में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए तकरीबन 1,00,000 से 2,00,000 तक का खर्चा आएगा। हालांकि ये खर्चा बढ़ भी सकता है, आपकी डिमांड के ऊपर है। प्रॉफिट कितना होगा? इस बिजनेस में मुनाफे की बात करें तो हम प्रति किलो मेवा खोया आदि की लागत और उससे बनने वाली मिठाइयों की क्वांटिटी पर निर्भर करता है, जैसे कि शक्कर, खोलवा, मेवा मसाला, दूध, दही, आटा और अन्य वस्तुओं की लागत जितनी होती है उसमें आधा ही मुनाफा मिल पाता है, जिस कारण आप यदि ज्यादा से ज्यादा मिठाई बेचेंगे तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि 1 किलो मिठाई के मोटे तौर पर ₹100 का फायदा होगा। इस बिजनेस में मार्केटिंग करें। आज का दौर मार्केटिंग का है। आप जितनी मार्केटिंग करेंगे उतना ही बिजनेस फलेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने शहर के न्यूज़पेपर में भी एड निकलवा सकते हैं, अपनी शॉप के नाम से प्रिंटेड बैग्स छपवा सकते हैं। अपनी दुकान को बनाएं ऑनलाइन शॉप। यदि आप अपनी शॉप को सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप अपनी शॉप को ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। आप ओके शॉप ऐप को एकदम फ्री इंस्टॉल करके लाभ उठा सकते हैं। जानिए कैसे आप अपनी शॉप को ऑनलाइन ला सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके शॉप ऐप का लिंक प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी शॉप को ले जाएंगे ऑनलाइन।
तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा कि भारत जो है त्योहारों का देश है, तो त्यौहार यहाँ पर चले ही रहते हैं और त्यौहारों पर एक दूसरे के घर आना जाना होता है। तो जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत बहुत ही वार्म्थ के साथ करते हैं और उसको ऑफर करते हैं ढेर सारी चीज़ें। तो ऐसे में आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, आपका ये बिज़नेस अच्छा फलेगा फूलेगा। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो हमने आपको बताई, और हाँ, पेशेंस वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। ओके क्रेडिट, बिज़नेस ओके है।